आपको सीधा जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं, जहां वादी कश्मीर के बाद जम्मू के अंदर काफी हंगामा मचा है और स्मार्ट मीटरों के खिलाफ जम्मू के अंदर प्रदर्शन चल रहा है, जहां पर एक तरफ प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर मुख्तलिफ सियासी तंजीमें सड़कों पर थी, वहीं स्मार्ट मीटरों की तंसीब के खिलाफ जम्मू के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं। आज भी सड़कों पर स्थानीय नागरिक निकले। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जब अपनी कार्रवाइयां शुरू की तो तवी ब्रिज को बंद किया गया। एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप जम्मू से देख रहे हैं, जहां पर जम्मू के अंदर बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ सीनियर सिटीजंस निकले पुलिस के साथ। आज मुतद्दिद मकामात पर थोड़ी बहुत झड़पें भी देखी गई, धक्का मुक्की भी हुई और पुलिस ने लाठी चार्ज भी कुछ एक इलाकों के अंदर किया, जब लोगों को यहां पर हटाया उस वक्त हटाया जाना था क्योंकि ट्रैफिक को बुरी तरीके से मुतासिर इस एहतजाज ने किया था। आज कई एक इलाकों के अंदर एक साथ ये एहतजाज देखने को मिले। इतना ही नहीं, स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ जम्मू के अंदर जहां पर एहतजाज मुसलसल बढ़ रहा है, इतलात के मुताबिक स्मार्ट मीटरों की तंसीब जब ऑलरेडी शुरू हो चुकी है जम्मू सूबे के अंदर, तो मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, लेकिन शिवसेना, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, पैंथर्स पार्टी समेत कई पार्टियां जहां सड़कों पर निकल रही थी, आज सिविल सोसाइटी भी निकले और कई लोगों पर जब आज लाठियां भी बरसी तो उन्होंने रास्ता तो साफ किया लेकिन हुकूमत को इंतबाह दिया कि वो इस तरीके से बिल्कुल भी काम शहर के अंदर नहीं होने देंगे। तवी पुल को बंद करने की कोशिश की गई, गरीब परिवारों को कई लोगों को ये इल्ज़ाम है कि उनको एक एक लाख से ज़्यादा के बिल्स मौसूल हुए हैं, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी बढ़ रही थी, लेकिन जम्मू के अंदर एहतजाजी मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत गरीबों का ख्याल रखने की बात तो कह रही है लेकिन रात के अंधेरे में मुख्तलिफ हिस्सों में 30-30, 40-40 मीटर ऊंचाई पर इस वक्त स्मार्ट मीटर्स नस्ब कर दिए गए हैं, जिससे इजाफी बिल आने का भी न सिर्फ खदशा जाहिर किया जा रहा है बल्कि साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कई लोगों को ऐसे बिल आए जिन्होंने एक एक दो दो कनेक्शन या एक एक बल्ब या एक एक पंखा भी अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो तब भी एक एक लाख रुपए के आसपास बिल आए, जिसमें से कुछ खवातीन आज इस प्रोटेस्ट या इस एहतजाज का हिस्सा भी थी। हर सतह पर एहतजाज किया जाएगा, आज इसकी अकासी जम्मू का ये प्रदर्शन था, ये प्रोटेस्ट था। सिविल सोसाइटी, सीनियर सिटीजन्स खास तौर पे काफ़ी नाराज़ जम्मू में पीडीडी डिपार्टमेंट से नजर आए। रिपोर्ट्स जम्मू से आपको मुसलसल हमने पिछले कुछ दिनों से दिखाई हैं, लेकिन आज जब पुलिस की तरफ से अपनी कार्रवाई भी यहाँ पर शुरू की गई, ऑफिशियल्स मौके पर थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे, इंतजामिया ने बहुत कोशिश की कि लोगों को समझाया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जब हमने देखा कि वो रास्ते जो जानीपुर वाले एरियाज़ को जाते हैं, वो रास्ते जो गांधीनगर, शास्त्री नगर और निचले इलाकों को जोड़ने वाले रास्ते हैं, सतवारी वाला रास्ता है, उन रास्तों को बंद करने की कोशिश की गई, तो डोगरा चौक के आसपास काफ़ी हंगामा और तवी पुल पर भी हंगामा आराई की तस्वीरें हम तक पहुँची हैं। गुलिस्तान नुमाइंदा अनिल शर्मा ने यहाँ पर लोगों से बात की, ऑफिशियल से बात की उन लोगों ने जिन पर आज लाठीचार्ज भी हुआ, कई लोगों को एहतियाती तौर हिरासत में लिया गया, बाद में रिहा करने की भी खबरें मौसूल हुई, और वो खवातीन जो हाथों में एक एक डेढ़ डेढ़ लाख रुपए के बिल लेकर खड़ी थी, कह रही थी कि अभी स्मार्ट मीटर्स कुछ एक एरियाज में लगना बाकी है लेकिन उससे पहले डिपार्टमेंट किस गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रहा है ये दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। जम्मू से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। जम्मू में स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार विरोध जारी है और इस वक्त जम्मू के तवी ब्रिज की बात करते हैं तो जम्मू के तवी ब्रिज को आम जनता की तरफ से जो है वो बंद को लेकर जो है वो पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है, मगर उसी बीच इस काफिले को जम्मू के तवी ब्रिज पे ही रोक लिया गया है और इस वक्त आपको बता दें कि भारी सुरक्षा बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। गाड़ियां आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इस काफिले को रोक लिया गया है और लगातार तस्वीरें भारी सुरक्षा बल आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर तैनात किया गया है और इस वक्त लगातार तस्वीरें जम्मू से दिखा रहे हैं और आम जनता से भी बातचीत करेंगे। आम जनता इसको लेकर किस तरह से देखती है, जोरदार हंगामा जो है वो आज जम्मू में स्मार्ट मीटर को लेकर देखने को मिल रहा है और ये भारी गाड़ियां भरकर जो है जम्मू की जनता आज इस वक्त जम्मू में इसमें आपको बता दें कि तवी ब्रिज पे पहुंची थी और इससे पहले इस काफिले को जो है शकुंतला के पास रोक लिया गया था और एक बार फिर से जम्मू के तवी ब्रिज पर इसे रोक लिया गया है और आम जनता त्राहिमाम हो रही है स्मार्ट मीटर को लेकर और सरकार का सख्त रवैया नजर आ रहा है कि जम्मू में स्मार्ट मीटर को लेकर जो है जोरदार जो है तस्वीर आज लगातार आज हम आपको जम्मू से दिखाएंगे। सड़कों पर लेटकर जो है एहतजाज किया जा रहा है, मोदा जी क्या कहना चाहेंगे? आज आप सड़कों पर लेट चुके हैं और सरकार जो है वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। देखिए, सरकार बनाती जनता है, जनता को हर हर पे आते हैं, जब जनता अपने आई पे आ जाएगी ना, ये सरकार तुपी दी लपड़ी दे, स्मार्ट मीटर तुपे लपड़े दे, आज लोगों के नहीं, जनता के नहीं, कुछ भी करना बोल, स्मार्ट मीटर जम्मू की कामयाबी होने लगे। ये अहम सवाल है, सरकार कह रही है कि स्मार्ट मीटर लग कर रहेंगे, अगर नहीं किसी ने लगाया तो उस पर जो है आधिकारिक तौर पर कार्रवाई हो सकती है। देखिए, पर्चा लगेगा,
गोली चलेगी, हमें मारेंगे, लेकिन हम लोग मरने से पहले जनता को इंसाफ दिलाते रहेंगे। अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी, हम लोग लगाएंगे, अपनी जान की बाजी भी लगाएंगे। हम स्मार्ट मीटर जम्मू में कामयाब नहीं होने देंगे। आपके प्रदर्शन को विफल कर दिया गया है, क्या लगता है ये प्रदर्शन? देखिए, हमारे हर चौकों में हमारे पर लोगों को रोका गया, अखनूर में रोका गया, बनतला में रोका गया, जानीपुर में रोका गया, मुठी में रोका गया, भगवती नगर में रोका गया, कुजवानी में रोका गया, सतवारी में रोका गया, छन्नी में रोका गया, नरवाल में रोका गया, बावे में रोका गया, लेकिन फिर भी आप लोग देख रहे हैं, जिन लोग धरने पे हैं, अब हर एक जम्मू का नागरिक रोडों पे आ चुका है, अब वक्त आ गया है जम्मू की लड़ाई लड़ने का। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपनी जान की बाजी लगाएंगे। जम्मू में जो जोरदार हंगामा जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है, और जम्मू की सड़कों की बात करते हैं, जम्मू की सड़कों पर जो है आम जनता जो है आज निकली है। आम जनता पूरी परेशान है, पूरा हिंदुस्तान परेशान है, पूरा जम्मू परेशान है इनसे। प्रीपेड, दूसरा, तीसरा, जो भी देख लो, जो भी है जम्मू में, चौक शुरू होगा जानीपुर से, शुरू होगा प्रॉपर्टी टैक्स जानीपुर, मीटर स्मार्ट मीटर जानीपुर, बिल से बिल ज्यादा जानीपुर। ये कहा जा रहा था कि सबको राहत जो है जम्मू, राहत कोई नहीं मिली जम्मू वालों को। सिलेंडर महंगा, चीनी महंगी, दाल महंगी, कौन सी चीज सस्ती है जिससे राहत मिलेगी? अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप एक सीनियर सिटीजन हैं, क्या लगता है कि ये कहा गया था जम्मू कश्मीर में शांति होगी, अमन चैन होगा और हर एक जो है वो चीज देखने को मिलेगी? सर, बात यह है कि अमन शांति जो है गवर्नमेंट का काम है, अमन शांति बहाल करना। अगर हम लोगों को, गरीबों को जय मतलब गवर्नमेंट तंग करेगी तो ऑटोमेटिकली मतलब ये पब्लिक रोड पे आएगी, रोड पब्लिक आएगी, पुलिस वाले मारपीट करेंगे। जो ऐसे थोड़ी मतलब कि पीसफुल हो सकता है, ऐसे तो होगी नहीं बात। इसलिए मतलब ये हमारी जो एजिटेशन, हमारा अधिकार है, गवर्नमेंट को हमारी सुनवाई करनी पड़ेगी। ये कहा जा रहा है कि अगर आप स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे आप पर कार्रवाई होगी, आप किस तरह से देखते हैं? हम कार्रवाई को नहीं मानते, हम सब जा रहे हैं क्योंकि हमें ऐसे भी हम मारे हैं। जो बिल आ रहा है, बिल बहुत आ रहा है, हम बिल पे नहीं कर सकते, इतना बिल, बहुत बिल आ रहा है, इसलिए हो सकता है हम स्मार्ट मीटर तोड़ ही दें। क्या आप मांग करेंगे सरकार से, क्या बोलना चाहेंगे? यही कहेंगे कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एलजी साहब से कि ये रिप्लेस कर दो, स्मार्ट मीटर रिप्लेस कर दो, कोई और लगा दो, जो पहले था जैसे पहले था वैसे कर दो, हम तैयार हैं। पहले मीटर ठीक है, अगर 500 का बिल आता है तो 500 ही आएगा ना, ज़्यादा तो नहीं आएगा। कि अब जो 5000 आता है, 500 की जगह 5000 रुपये बिल आ रहा है, ये कौन देगा इसको? ये सभी के वास्ते है। कितना बिल आया तुम्हारा? दो दो डेढ़ डेढ़ लाख रुपया वाला, एक वो लाया पखा, सिर्फ एक पखा लाया। एक फैन लगाने पे आपको 2 लाख रुपया बिल आया? हाँ, ये देखो मेरी क्या हालत हुई है, इसको पढ़ के देखो क्या है। मेरे घर वाला दिहाड़ी लगाता, मैं कहाँ से दूंगी, कहाँ से लूंगी पैसे? मैं कोई मोदी ने नौकरी नहीं दी है, बच्चों को नहीं दी, कोई मेरे घर वाले को नहीं दी, मैं कैसे करूंगी पूरे इतने पैसे? मेरा तो मकान में नहीं रहने के लिए था, मेरे को गवर्नमेंट ने बना के दिया था रहने के लिए, मकान में नहीं था मेरा, तो अभी इतना बिल आ रहा, मैं कहाँ से दूंगी? ये आपको सरकार ने मकान बना कर दिया था? हाँ, मेरा रहने के लिए घर भी नहीं था, जब दिहाड़ी लगाता मैं कहाँ से दूंगी इतना बिल? घर पे कौन कौन है आपके? मेरे बच्चे हैं, मेरा घर वाला है, बहू है, एक बहू है, बहू है, ठेका बंद होना चाहिए, ठेका साढ़े दरवाजे खुले दा, सारे पैसे उठे जाते हैं। उसकी बहनों पे लाठी चार्ज किए जा रहे हैं, और शकुंतला में, शकुंतला में हमारी 8 गाड़ियां रोक दी। जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, 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 जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, कानून शाही नहीं चलेगी, कानून शाही नहीं चलेगी, कानून शाही नहीं चलेगी। 370 तोड़ने के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पे किस तरह का अत्याचार हो रहा है ये याद रखना। अगर 3 दिन में फैसला नहीं हुआ, 3 दिन में स्मार्ट मीटर नहीं हटाएंगे, जब पूरे देश में स्मार्ट मीटर नहीं तो जम्मू कश्मीर में क्यों? जे स्मार्ट मीटर पुराने बिल माफ नहीं किए गए, प्रीपेड सिस्टम बंद नहीं किया गया, तो ये याद रखना आने वाले इलेक्शनों में बीजेपी को कोई वोट देगा? आधिकारिक तौर पर बातचीत करने के लिए मौजूद है सर, किस तरह से देखते हैं जम्मू की जनता त्राहिमाम हो रही है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? धक्का मुक्की तक इस समय प्रयास हुआ है, आप किस तरह से? मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्मार्ट मीटर पे भरोसा रखें, अगर किसी का स्मार्ट मीटर खराब है और गलत रीडिंग दे रहा है, दे कैन कम टू अस, दे कैन कम टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, दे कैन
गो टू द इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, वो चेक करवाएंगे, जो भी अगर गलत रीडिंग वाला जो है हम उनको रिमूव करेंगे। हो सकता है आम जनता कह रही है कि टोल फ्री नंबर्स पे कॉल किया जाता है, उसके बावजूद भी हमारी ग्रीवियंसेस को नहीं सुना जा रहा है, टोल फ्री नंबर्स बंद आ रहा है। फ्री नंबर मेरा दिया गया है, मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। मैं एक दिन में पिछले तीन दिन से मेरा नंबर पता नहीं क्यों दिया गया है, मैं टेक्निकली भी नहीं हूँ और मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, फिर भी मैं उनसे बात करता हूँ, उनको बोलता हूँ मेरे ऑफिस में अपना बिल ले आए, एक एप्लीकेशन दे दें कि मैं उसको राइट को भेज दूँ। टोल फ्री नंबर शायद गलत दिए गए हैं या कुछ और मंशा से दिए गए हैं, उसका कुछ और गलत मतलब निकाल दिया गया। मैं उनसे गवर्नमेंट से भी बात करूंगा कि जो टोल फ्री नंबर हो वो प्रॉपर हो, जिससे सारी इन्फॉर्मेशन। अब मेरे पास इन्फॉर्मेशन, सुबह से कॉलर है सर मेरे मीटर चेंज कराना है, उसके कितने पैसे लगेंगे, ठीक है, दैट इज़ नॉट द राइट थिंग, क्योंकि मैं उसमें नॉलेज नहीं रखता। बाकी मैं एक चीज़ यही कहता हूँ, जनता भरोसा रखे, अगर किसी का गलत बिल आता है, और मैं ये उनसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो अपनी बिजली ऑप्टिममली यूज़ करें, ठीक है, वेस्टेज ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि आधिकारिक तौर पर किस तरह से जो है वो अपनी व्यक्तिगत राय जो है बस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रखी गई है, और जम्मू की जनता को भरोसा दिलाने के लिए लगातार जो है वो बात की जा रही है, मगर आम जनता लगातार परेशान जो है वो नजर आ रही है। गुलिस्तान न्यूज़ के साथ वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ जम्मू से धन्यवाद। चलिए, इस एहतजाज के दौरान एक बात तो कम से कम इंतजामिया ने मानी है, जो कंसर्न ऑफिशियल्स मौजूद थे वो कह रहे हैं कि टोल फ्री नंबर्स जो है गलत दिए गए। ये भी शिकायत उस वक्त की जा रही थी जब तवी पुल को बंद करने की कोशिश की गई, कि हम जिस नंबर पर कॉल करते हैं मुतलका हुकाम से राबता करने की कोशिश होती है तो वहां पर कोई और ऑफिसर्स बोलते हैं। उसकी तस्दीक खुद इंतजामिया ने कर दी है। यहां पर भी एक लापरवाही महकमे की हुई है, ओपसो की चीजें दुरुस्त हों, और एहतजाज में शिद्दत देखने को मिल रही है, आने वाले दिनों के अंदर मसाइल का